नमस्ते, मैं शौरबानी, मेरे सहजे सुस्वादु चैनल में आपको हार्दिक स्वागत। काला चना से दो रेसिपी आपको साथ शेयर करूंगी। काला चना खाना सेहत के लिए बहुत उपकारी होता है। बहुत आसानी से दो रेसिपी इससे बनाया जा सकता है। मैं घर पे जैसे दो रेसिपी बनाती हूँ, यही आपको साथ शेयर करने चली। ये बनाने के लिए थोड़ा प्लानफुली चना को 8 घंटे के लिए भिंगो के रखना पड़ता है। चना अच्छे से धो के भिंगो के रखेंगे। आप भिंगो के भी बाद में धो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा पानी से इसे सोक करके रखेंगे 8 घंटे के लिए। स्नैक्स या ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। कल रात को इसे भिंगो के रखा था, सुबह में देखिए कितना अच्छे से ये फूल के तैयार हो गया है। अभी आइए इसको एक चाट बना के दिखाती हूँ। फर्स्ट रेसिपी में एक लोहे का कढ़ाई लिया, इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया, देके 1 छोटा प्याज स्लाइस करके इसमें भुनेंगे। आप चाहे तो बिना प्याज से ही आप ये बना सकते हैं। अब इसमें हरा मिर्च ऐड करेंगे। चना वेज प्रोटीन का बहुत अच्छा एक सोर्स होता है और चना ना लो कैलोरी भी होता है। इसके वजह से जिन लोग डाइट प्लान में रहते हैं उसके लिए भी वेट रिड्यूस करना आसानी होता है, और इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहने से पेट भर जाता है। लो फ्लेम में रख के इसे पकाएंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार दे के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, लगभग 1/2 कप जैसा। अब इसे ढक्कन दे के लो फ्लेम में कुक करेंगे, बीच बीच में चलाएंगे। ऐसा करके इसको पूरा बॉईल होने देंगे। सोक्ड चना में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं फाइबर रहने से ये डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है। इसके वजह से शुगर एब्जॉर्ब होने में डिले होता है, इसलिए ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। सोक्ड काला चना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसके वजह से ब्लड शुगर के लिए अच्छा होता है और फाइबर पेट को भर के रखता है, इसलिए ओवर ईटिंग भी नहीं होता है। कुछ क्रॉनिक डिजीज से सोक किए हुए काला चना प्रिवेंट करता है। कुछ मिनरल्स जैसा मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब रहने से ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और हमारा जो बैड कोलेस्टेरॉल LDL इसको कम कर देता है। चना से तेल निकल के आया, पूरा पानी सूख गया है, लगता है अभी ये बन के तैयार हो गया। देखते हैं कितने अच्छा से, देखिए बॉयल हुआ है। अभी इसे पफ्ड राइस यानी मूढ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही खाइए, बहुत स्वादिष्ट भी लगता है और जल्दी से पेट भी भर जाता है। काला चना में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट रहता है, इसके वजह से कोलन, ब्रेस्ट एवं लंग कैंसर को प्रिवेंट करता है। अब आइए अनदर रेसिपी आपको साथ शेयर करती हूँ। ये रेसिपी बनाने के लिए इसे कच्चा ही खाएंगे। ये एक सलाद रेसिपी है। 1 कप चना और इसमें खीरा, टमाटो, प्याज, हरा मिर्च, काला नमक, धनिया पत्ता और नींबू का जूस 1/2 नींबू से निकाल के लिया, और खीरा, टोमेटो ये आपका इच्छा अनुसार इसे लीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बन गया चना से सलाद। पका के खाने से कच्चा खाना
ज़्यादा हेल्दी होता है। काला चना हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए एनीमिया को पेशेंट ये खाने से फ़ायदा होता है। अगर आप 30 अभव है तो ज़रूर इसे खाइए, क्योंकि एजिंग से हमारा स्किन को रक्षा करता है, साथ में ग्रे हेयर होने से भी रुकता है। चना को स्प्राउट करने से पौष्टिकता और भी बढ़ता है, लेकिन यूरिक एसिड, गाउट एवं किडनी पेशेंट इसे अवॉइड कीजिए। मैं आपके ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने मेरे रेसिपीज को पसंद किए हो, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब किए हो। धन्यवाद।